इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा घनाभाकार बर्तन है जो कि कहा गया है 10 मीटर लंबा है, यानी कि इसकी जो ये लंबाई है ये हमें दिया गया है 10 मीटर। ओके, अब इसके अलावा हमें कहा गया है कि 8 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ये हमें दिया गया है 8 मीटर। हमसे पूछा गया है कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। कितना ऊंचा बनाया जाए, इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, जो हमें 380 घन मीटर दिया गया है ये इस घनाभाकार बर्तन का आयतन है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे कि जो हमारा घनाभाकार बर्तन है, इस घनाभाकार बर्तन के माप, तो यहां पर लिख लेंगे घनाभाकार बर्तन के माप। अब देखिए, इसके माप में हमें लंबाई कितना दिया गया है 10 मीटर, इसके अलावा इसकी चौड़ाई हमें दी गई है 8 मीटर, हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, जैसा कि हमें पता है कि घनाभाकार बर्तन का आयतन हमें दिया गया है, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि घनाभाकार बर्तन का आयतन। अब हमारा जो बर्तन है ये कैसा है, हमारा घनाभ की आकृति का, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हमें कितना दिया गया है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए यहां से, यहां मीटर क्यूब का मतलब है घन मीटर। अब यहां से हमारा एल कितना है 10, इसके अलावा बी कितना है हमारा 8, और हमें एच निकालना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, बराबर में 380। तो यहां से देखिए, हमें जो निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं और इनको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये h बराबर कितना हो जाएगा 380, ये 10 इधर गुणा में है इधर आके भाग में हो गया, और 8 भी गुणा में है इधर आके भाग में, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। क्या बचेगा यहां पर, देखिए ये दोनों भी कट जाएंगे हमारे 2 के पाड़े से, 2 चौक 8, और ये हमारा 19 दूना 38, तो यहां पर 19/4। तो यहां से देखिए कि अब अगर यहां पर हम 19/4 यानी 4 से भाग देंगे 19 में, तो ये आ जाएगा 4.75 मीटर, यानी ये आ गया हमारा h का मान। तो इस तरह से हमारा ये ऊंचाई आ गया, यानी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इस घनाभाकार गड्ढे का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि जो हमारा घनाभाकार गड्ढा है इसके माप, तो यहाँ पर लिख लेंगे घनाभाकार गड्ढे का माप। तो देखिए, हमें इसके माप में क्या दिया गया है, इसकी लंबाई हमें दिया गया है 8 मीटर, इसकी चौड़ाई हमें दिया गया है 6 मीटर, और इसकी ऊंचाई 3 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें घनाभाकार गड्ढे का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमें पता है कि हमारा घनाभाकार गड्ढा जो है ये घनाभ की आकृति का होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि घनाभाकार गड्ढे का आयतन, और घनाभाकार गड्ढे का आयतन हमारा क्या होगा, घनाभ का आयतन, यानी कि L गुणा B गुणा H। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, L कितना है 8, और ये हमारा B है 6, और H है 3। तो देखिए, ये हमारा 6 × 18, 18 × 8 = 144, तो ये हमारा आ गया 144 मीटर क्यूब, ये घनाभाकार गड्ढे का आयतन। अब हमें इसमें कहा गया है कि 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब के दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हमें 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने की लागत कितनी दी गई है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय, तो ये हमें कितना दिया गया है 30 रुपये। हमें निकालना कितना है 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने की लागत, तो यहाँ पर लिख लेंगे 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना हो जाएगा, हम 144 में 30 का गुणा कर देंगे, तो
तो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा 4,320 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया व्यय, यानी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 और 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।